ये देखिए हमारा बटर चिकन हो गया है रेस्टोरेंट स्टाइल में। तो ये अब हम देखते हैं हमने कैसे बनाया है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करती हूँ आप लोग आफियत और खैर के साथ होंगे। आज हम दिल्ली स्टाइल में रेस्टोरेंट के बटर चिकन बना रहे हैं, जो हम पूरा बोनलेस लिए। ये पूरा हमारा 1 kg बोनलेस है। हम इसको मैरिनेट कर रहे हैं। इसके लिए हमने पहले 2 चम्मच डाल दिया, अभी हम 1 चम्मच और एक्स्ट्रा आप लोग को दिखा रहे हैं। ये हमने 3 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। अब इसके अंदर पूरा 2 चम्मच भर के धनिया पाउडर डालेंगे और 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। इसके अंदर हरी मिर्ची बिल्कुल नहीं जाएगी। अब तीखी मिर्ची लाल मिर्ची पाउडर डाल रहे हैं हम लोग 1 चम्मच भर के। अब थोड़ा हल्दी डाल रहे हैं अपने हिसाब से। अब इसके अंदर हम गरम मसाला डाल रहे हैं पूरा 1 चम्मच भर के। देखिए अब इसके अंदर हम चिकन तंदूरी मसाला डालेंगे। हमने बादशाह का यूज़ किया, आप कोई भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। ये हम पूरा 1 चम्मच पूरा अच्छा खासा भर के डालेंगे। थोड़ा और डाल दीजिए, हाँ ये। और अब इसके अंदर हम बटर चिकन मसाला डालेंगे, क्योंकि हम बटर चिकन बना रहे हैं रेस्टोरेंट स्टाइल में, तो बटर चिकन मसाला डालना बहुत ज़रूरी है। तो ये भी ये हमारा एवरेस्ट का है, आप कोई भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं, चाहे जो आपके पास अवेलेबल है। तो ये और 1 चम्मच ये भी पूरा भर के जाएगा। अभी हम नमक डाल रहे हैं, अपने हिसाब से आप डालिए। अब इसके अंदर हम 2 चम्मच ऑयल पूरा डालेंगे और इसको मैरिनेट करेंगे हम 1 घंटा पूरा। हमने 2 चम्मच ऑयल डाल दिया, अब इसको अच्छे से मैरिनेट करेंगे हम। आप इसमें ही चाहे तो फूड कलर भी थोड़ा डाल सकते हैं, लेकिन हम अभी नहीं डाल रहे, हम लास्ट में थोड़ा फूड कलर डालेंगे। यह हम पूरी 1 प्याली दही डाले हैं, क्योंकि दही से ही इसके अंदर खट्टापन आएगा, तो हम इसके अंदर दही डाल रहे हैं। 1 टमाटर वाला भी होता है, ये हमारा रेशेदार बटर चिकन है जो हम रेस्टोरेंट स्टाइल में बना रहे हैं। अगर आप शादी वाला चाहते हैं जो टमाटर वाला है, तो वो आप हमें कमेंट में बताइएगा, हम वो भी आपके साथ शेयर करेंगे रेसिपी। अब ये सबको हम मिक्स कर देंगे और इसको 1 घंटे के लिए मैरिनेट करके रख देंगे। ये देखिए हमारा बटर चिकन मैरिनेट 1 घंटा हो चुका है। तो ये जो हमारे बाउल में हमने मैरिनेट किया था, इसमें 1/2 प्याली पानी डाल के, मतलब 1/2 गिलास हम इसी के अंदर डाल दे रहे हैं। ये देखिए हमने 1/2 गिलास पानी डाला, क्योंकि दही अपना पानी नहीं छोड़ेगा तो दही जल जाती, इसलिए हम 1/2 गिलास पानी में इसको पकाएंगे, ताकि हमारा चिकन गल भी जाए और हमारा ये एकदम मैरिनेशन एकदम अच्छा बने। अब इसे हम गैस पर फास्ट पर रखेंगे 10 मिनट और उसके बाद स्लो पर पकने को रखेंगे। ये देखिए हमने 3 कांदा लच्छेदार चॉप कर लिया, इसका हम बिरिस्ता करेंगे। ये देखिए हमने कढ़ाई में डाल दिया है तेल, अब इसको बिरिस्ता करने के लिए हम रख देंगे अपने। ये देखिए हमने कांदा डाल दिया, अब इसे हम बिरिस्ता होने देंगे। पहले इसको थोड़ा और हमें इसे लाइट ब्राउन करना, हमें डार्क ब्राउन नहीं करना है, क्योंकि हमें इसका पेस्ट चाहिए, तो हम इसे लाइट ब्राउन करेंगे। ये देखिए हमारा चिकन हो गया है, देखिए अब इसको हम ऐसे ऐसे कूच देंगे, हम इसको ऐसे अच्छे से कूच देंगे, क्योंकि हम रेशेदार बना रहे हैं, तो आप थोड़ा ऐसे ही कर लीजिएगा, कूच लीजिएगा। ये हमारा कांदा बिरिस्ता हो गया है, देखिए हमें ऐसे ही लाइट ब्राउन चाहिए, तो अब इसे हम निकाल के इसे ठंडा कर लेंगे। ये देखिए हमारा चिकन कितना रेशेदार हो गया, और हमने इसको ऐसे ही रखना एकदम ड्राई, आप थोड़ा लिक्विड भी रख सकते हैं, लेकिन हमने थोड़ा ड्राई ही कर दिया है, लेकिन जलाना नहीं है। देखिए हमारा नीचे नहीं चिपका, हमें ऐसे ही चाहिए। ये देखिए हम अपना कांदा और इसके अंदर मगज और काजू पीसेंगे, और ये अब हम काजू डाल रहे हैं इसके अंदर पीसने के लिए। ये देखिए हमारा 4 चम्मच मगज है, अगर आपका 1/2 किलो तो आप 2 चम्मच लीजिएगा। अब इसे हम अच्छे से पूरा सामान, देखिए काजू बिरिस्ता और मगज हम पीस देंगे अच्छे से। ये देखिए हमारा मसाला हो गया, पीस गया है, अब हम क्रीम पीसेंगे। ये देखिए हमने मलाई ली है, दूध के ऊपर की मलाई है। ये हमारा पूरा 1 प्याली पूरा भर कर है, मतलब 200 ग्राम से भी ऊपर है, क्योंकि जितना आप बटर चिकन में क्रीम डालते हैं उतना ही उसका टेस्ट बढ़ता है। तो आप चाहे अमूल फ्रेश क्रीम डालिए, चाहे तो आप ये बटर मतलब दूध की मलाई डालिए, ये दोनों ही अच्छी है। अच्छा ठीक है। ये देखिए हमारे बटर चिकन का ये छौक है, जिसके अंदर हमने 1 पूरा चम्मच जीरा लिया है, थोड़ा काली मिर्च लिया है, ये चक्री वाला फूल लिया है, 1 बड़ी इलायची, 1 छोटी इलायची, दालचीनी, लौंग और तेज पत्ता लिया है, ये हमारा छौक है। ये देखिए हमने 1 कढ़ाई डाल ली है, देखिए इसके अंदर बटर डाल लिया है, हमने 1/2 बटर 1/2 तेल इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो पूरा बटर यूज़ कर सकते हैं, रेस्टोरेंट वाले पूरा बटर यूज़ करते हैं, बट हमने थोड़ा दोनों ही मिलाया है। अब इसके अंदर हम अपने मसाला डाल देंगे जो हमने पीसा था, इसको भूनना है हमें अच्छे से तेल छटने तक।
ये देखिए हमारा आपने डाल दिया। अब इसके अंदर बाद में हम खड़े मसाले डालेंगे, हम तेल में पहले नहीं डाल रहे हैं अपने, बाद में ये जाएगा हमारा। अब इसमें हम अच्छे से इसको भूनेंगे। देखिए आप जब बटर डालें तो उस टाइम पे अपने खड़े मसाले नहीं डालें, जब हम मसाला डालेंगे तब खड़े मसाले डालेंगे। अब इसको हम भूनेंगे अच्छे से। हम इसके अंदर तीन पड़ी तेल डाल रहे हैं। मैं आपको पहली बारी, आप चाहे तो पूरे बटर में भी बना सकते हैं, चाहे तो थोड़ा बटर मेरी तरह बटर और तेल मिक्स करके भी बना सकते हैं। अब इसके अंदर हम ये मसाले को अच्छे से 10 मिनट पूरा तेल छटने तक भूनेंगे। ये देखिए हमारा मसाला कितना लाजवाब भुना है, पूरा देखिए एकदम अच्छे से। अब इसके अंदर हम एक चम्मच तंदूरी मसाला डाल रहे हैं। ये देखिए एक चम्मच पूरा भर के हमने डाला है। ये कलर नहीं दिख रहा है बट ये अच्छा ही मतलब कलर आया है इसके अंदर। ये हमारे बादशाह ब्रांड का है, ये देखिए। अब इसके अंदर एक पूरा चम्मच हम बटर चिकन मसाला डाल रहे हैं, देखिए। और ये मसाला हमने कितना लाजवाब भुना है, आप जरूर डाल दीजिए। ये देखिए, ये देखिए, अब इसके अंदर हमने मिक्स कर दिया इसको। और देखिए मसाला हमने बहुत ही लाजवाब भुना है, क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ चाहे सब्जी हो, चाहे मटर हो, चाहे चिकन हो, लेकिन मसाला भुनना बेहद ज़रूरी होता है। तो देखिए हमारा मसाला तेल छटने तक हमने भुना है। अब इसे भी हम 5 मिनट इसके साथ रहने देंगे भुनने के लिए। ये देखिए हमारा हो गया। अब इसके अंदर हम अपनी मलाई डाल रहे हैं जो हमने पीस के रखी है। आपको चाहे तो आपके पास फ्रेश क्रीम है तो आप थोड़ा बाद में फ्रेश क्रीम डालिएगा। हमारी मलाई थी जो हमने थोड़ा पहले इसको डाल दिया है भुनने में। ये देखिए हम थोड़ा रेड फूड कलर डाल रहे हैं, क्योंकि हम रेस्टोरेंट स्टाइल में बना रहे हैं तो मैं आप लोग के लिए डाल रही हूँ, जबकि मैं होममेड जल्दी नहीं डालती हूँ। लेकिन मैं आप लोग के लिए थोड़ा डाल के दिखा दे रही हूँ, क्योंकि देखने से ही मतलब खाने का मन करता है। ये हमारा फूड कलर रेड डाला है हमने। ये देखिए हमने मसाला भून लिया था, लेकिन हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालना भूल गए थे, तो हम इस वक्त डाल रहे हैं। आप जब कांदे का पेस्ट डालेंगे ना, तो उसी के साथ आप अदरक लहसुन और धनिया और सबका पेस्ट डालेंगे। अब इसके अंदर हम 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, देखिए। ये हो गया। अब इसके अंदर धनिया पाउडर 1 चम्मच डालेंगे पूरा, और इसके अंदर देखिए, और ये 1 चम्मच थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे हमारे तीखे के लिए। हम इसके अंदर हरी मिर्ची पाउडर हरी बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करेंगे, जितना भी हो सके आप लाल मिर्ची से ही इसके अंदर तीखापन करिएगा। और इसके अंदर हम हल्दी पाउडर डालेंगे। अब इसके वापस से हम अच्छे से भुनेंगे। आप कांदे के पेस्ट के साथ ये सारे मसाले डाल दीजिएगा, फिर लास्ट में क्रीम डालिएगा। क्योंकि हमसे अब मिस्टेक हो गई तो मैं आपको बता दे रही हूँ, लेकिन आप लोग ये मिस्टेक मत करिएगा। अब इसको हम तेल छटने तक फिर भुनेंगे। चलिए डबल सर्विस की जाती है। ये देखिए हमारा अदरक लहसुन का सब मसाला भुन गया, तो अब इसके अंदर हम चिकन डाल दे रहे हैं हमारे। अभी इसको डाल के मिक्स करेंगे, तो इसी टाइम पे हम चखेंगे इसका तीखा और नमक, क्योंकि हमें ना इसके अंदर जब तक चिकन नहीं जाएगा तब तक तीखा नमक नहीं पता चलने वाला है। तो अब इसके अंदर हम ये मिक्स कर दिए हैं, और इसको 5 मिनट के लिए हम थोड़ा स्लो पे रख देंगे, ताकि दोनों मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए। ये देखिए अभी हम एवरेस्ट का कसूरी मेथी डाल रहे हैं इसी में, देखिए। और हमने थोड़ा सा इसमें आधी प्याली पानी डाला है, क्योंकि हमें ऐसे ही ग्रेवी चाहिए थी। ऐसे ही रेस्टोरेंट में ग्रेवी रहता है एकदम तेल उभरा हुआ और ऐसे ठीक रहता है, देखिए कितना लाजवाब हुआ है। ये देखिए हम 2 चम्मच इसके अंदर टमाटो केचप डाल रहे हैं, 1 चम्मच हमारा चला गया, 1 चम्मच हम डालने जा रहे हैं। और ये हमारा नमक कम लग रहा था तो हमने नमक बढ़ाया है। आपका तीखा भी अगर कम होगा तो आप बढ़ा लीजिएगा, लेकिन हमारा तीखा परफेक्ट है। ये हमारे कसूरी मेथी है, ये हमने पूरा 1 चम्मच इस्तेमाल किया है। कितना अच्छा ग्रीन कलर है, तो आपको भी ऐसी फ्रेश ले लीजिएगा। इसको मसल के हम डालेंगे थोड़ा। ये हम एवरेस्ट का यूज़ किया है, आप जो चाहे आपके पास ब्रांड आप वो यूज़ कर लीजिएगा। और ये ऐसे ही हमें ठीक चाहिए, देखिए कितना लाजवाब हुआ है। आप इसको एक बार अभी बनाएंगे ना तो आपकी फैमिली हमेशा यही डिमांड करेगी कि आप यही रेशेदार वाला बटर में चिकन बनाइए। ये हमारा हो गया। अब इसके ऊपर हम धनिया सर्व करेंगे अच्छे से। तो आप लोग प्लीज़ मुझे लाइक और सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। चलिए अल्लाह हाफिज़। ये देखिए हम बटर चिकन स्मोक कर रहे हैं, तो ये हमने कोयला रखा है अपना। ये देखिए हम कोयले का स्मोक कर रहे हैं, क्योंकि ना लास्ट में ना बटर चिकन में कोयले का स्मोक बहुत ही अच्छा फ्लेवर देता है। तो अभी हम कर रहे हैं, हम भूल गए थे तो अभी हम कर रहे हैं, हमें याद आया। तो चलिए, तो इसको हम ढक देंगे 10 मिनट के लिए। तो अभी हमारा कोयले का स्मोक हो जाएगा।